जिन बच्चे बच्चियों की शादियां होने में विलंब हो रहा हो या उनके अनुकूल जीवन साथी नहीं मिल रहा हो, वो यहाँ गणेश जी को बुधवार को हके सुपारी या नारियल भेंट करके अपनी मनोकामना निवेदन कर दे गणेश जी के चरणों में। भतीजा भतीजी की शादी रे वास्ते आए हो मनोकामना ले, जद विश्वास रखे हूँ भगवान हाथ दियो है ना उन्नति हो रही है। क्षमा गणी, मैं गरिमा और आप देख रहे हो झलको जोधपुर। और आज मैं आई की हूँ जुलाई पहले से थोड़ा सा आप आगे आवा हाँ तो बटेरा में है गणेश जी मंदिर में पहले ही आपने मिल जावे ला जुलाई बालाजी मंदिर गुरु ऊपर चढ़ने पहाड़ी माते आप देख सको कि बटे वो पहाड़ी माते चढ़ ले और आप गणेश जी मंदिर माते पहुंचो। और एडो क्यों है लोगारो की अठे बहुत ज्यादा चमत्कार हो गए साक्षात चमत्कार अठे मिले तो कई है गणेश जी रे मंदिर री कहानी केड़ा श्रद्धालु चमत्कार ने देखे और कई है गणी मान्यता और जाना लापा आज रे वीडियो। आप अठे गणेश मंदिर में कदे सो आ रहे हो? मैं पिछले 2-3 साल आ रही हूँ। आपने कोई बतायो गणेश मंदिर के बारे में आपने की कथा पड़ी? मैं मतलब की पड़ोसी गांव में बडली भैरू जी है मारो जो गाड़ी में जा तो रहे हूँ आ तो रहे हूँ जन लोग बोलिया गाड़ी गणेश जी मंदिर है हट समा दिए भैरू जी वगैरह आप जाओ जो मन में अगर कोई चीज या शांति है गणेश जी मंदिर में जान बैठो करो गणेश वंदना करो तो आपरे मन में शांति मिली। कोई काम अटकड़ो है आप रो तो वो आप रो काम पूर्ण है उन हिसाब में आऊँ। मैं एक्चुअली रहूँ बेंगलोर में जदे भी रास्ता ना हूँ मैं जरूर आन जाऊँ आटे आटे आऊँ जी वाल कोई भी कौम बिगड़े या मन में कोई भी अशांति ना छोड़े वो एकदम बढ़िया पावरफुल फील है। तो आप रो एडो कोई काम की आप रो नहीं बन रहे हो और आप अठे आने मन्नत मांगी और पूरा हो गयो? नहीं बिल्कुल सर एडो काम है तो मैं स्टार्टिंग में पहले बिजनेस स्टार्ट करियो तो मारो जब मेरा ऑफिस जोधपुर में है तो हमारा एक्चुअली बिजनेस एम सेक्शन शेयर मार्केट रो है। मैं जोधपुर में करियो तो यो खास मैंने सपोर्ट मिली हो नहीं। मैं आटा आ तो रेगुलर आ तो ये किस मन्नत रहा कि मैं कि मारो बिजनेस सेटअप रहो मैं जरूर आऊँ। आज मारो चेन्नई में भी ऑफिस है और बेंगलोर में भी मारो इन ऑफिस है। मैं जब भी गाँव आऊँ गणेश जी आज वंदना करूँ कि गणेश जी हाथे रहो और भी बाव जी है उठ समाधि हो आज भगवान विनती करूँ कि हाथ दे जो जितनी कमाई मारे इतनी मैं भी आगे लोगों की मदद कर सकूँ या फिर मारा भी सपना पूरा है उन हिसाब जद विश्वास रहा कि हूँ भगवान हाथ दियो है ना उन्नति हो रही है। मैं आज पहली बार आया हूँ मारे भाई ने अटे अरविंद जी डॉक्टर साहब आया करे वे कहो कट आओ आप अटे मान्यता है कि सीधे हाथरा गजानन जी है सीधी सूंडरा अटे आओ आपकी कोई भी मंदिर हुए बात वह पूरी हुए टावरा सकपन नहीं होता है तो वह पूरा हुए वहां सकपन हो जावे। इन वास्ते मैं पहली बार आया हूँ और मैं के दर्शन कर ले वहाँ। आप भी कोई मनोकामना लेने आयो क्या बात करो दर्शन वास्ते? मैं तो हमारे भतीजा भतीजी की शादी रे वास्ते आयो हूँ मनोकामना लेने। उन्हें पिताजी भी आया साथ है लेकिन मैं घर में बड़ो इन वास्ते मैं आयो हूँ कि देखू मैं कि भाई की करे गजानन जी। मैं फर्स्ट टाइम ही आयो हूँ। तो अगर आप मनोकामना पूरी हो गए तो आप पाछा ओला दर्शन करना? बिल्कुल मनोकामना पूरी होगा तो दर्शन करना ओला। तो आप देख सको हो कि आज की गणेश जी की मूर्ति है वह जो बाकी मूर्तियां सीधी हो गए पर आप थोड़ी जी टेढ़ी है तो आ सर टेढ़ी इंटेंशनली रखी ही कि गलती रखी की कई है इरे पिछली कहानी? इन पिछे कहानी बहुत बढ़िया है। जिस समय गणेश जी यहाँ पे आए थे नीचे से ये इनके कम से कम 1 क्विंटल से करीबन 1000 किलो से ज्यादा इनका वेट है और जब यहाँ पे लाए हुए थे तो वो मजदूर यहाँ पे रख चुके थे कारीगर और उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर से इनको सीधे कर देंगे पर बाद में गणेश जी सीधे न हो पाए खूब कोशिश की। तब से वो गणेश जी करीबन 435-438 साल से ही हैं और भारत के अंदर 108 गणेश जी में से इनका भी नाम वर्ल्ड ऑफ गणेश के अंदर है। दूसरे जैसे कि हमारे रतनाथ गणेश जी गए उनके भी नाम आता है और इनका भी नाम आता है। आप एक मंदिर में कदे से आ गए? मेरे को इस मंदिर में आते हुए लगभग 8-10 महीने हो गए हैं। ये गणेश जी का बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। ये बिजोलई नदी के नाम से जो बिजोलई तालाब है इसके किनारे इस पहाड़ी पर गणेश भगवान का अति प्राचीन मंदिर है जिनको सुपारी वाले गणेश जी के नाम से भी इनको सिंदूरिया गणेश जी भी कहते हैं। जिन भी भक्तों की कोई मनोकामना होती है वो गणेश जी महाराज को आते या सुपारी चढ़ाते हैं या नारियल चढ़ाते हैं और कम से कम 5 बार प्रति बुधवार आकर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं तो गणेश जी महाराज निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरे भी इन्होंने आज एक मनोकामना पूर्ण की है और इसीलिए मैं गणेश जी महाराज का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। विशेष रूप से ये गणेश जी महाराज निजी कार्य जितने जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है अमूमन ज्यादातर लोग वही यहाँ पर आते हैं जिन बच्चे बच्चियों की शादियां होने में विलंब हो रहा हो
या उनके अनुकूल जीवन साथी नहीं मिल रहा हो, वो यहाँ गणेश जी को बुधवार को हर के सुपारी या नारियल भेंट करके अपनी मनोकामना निवेदन कर दे गणेश जी के चरणों में। तो आज जो मानो वीडियो आपने की कर लागो कमेंट सेक्शन में बतानी मत भूल दो, इस वीडियो ने लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप अठे पहले भी आयोड़ा हो तो आप कई अनुभव है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सको, नहीं आयोड़ा हो तो कदे आ रहा हो वो भी बता सको। और एडी कोई आपने जोधपुर में जगह ध्यान है जी की आप नोटिस में लाओ नहीं चाहो लोग आ रहे जी की लोगों ने नहीं ध्यान है तो आप माने कमेंट सेक्शन में जगह और नाम और जगह एड्रेस आप खुद जो नंबर माने भेज सको और मैं बटे पहुंचा वाला वीडियो बना लाला। सब्सक्राइब करना मत भूल जो जलको जोधपुर चैनल ने और जो घंटी है उन्हें दबा दो ताकि एडा जितना भी नया वीडियो आवेला वह आपके नोटिफिकेशन भी आ जावेगा। जय हिंद जय जोधा।